मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब ईडी कार्यालय पहुंचे तो एक सुखद तस्वीर देखने को मिली। मुख्यमंत्री जब ईडी कार्यालय के अंदर जा रहे थे तब उनके साथ और कोई नहीं था, वह अकेले ही गाड़ी से उतरे और ईडी कार्यालय के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन इस दुख की घड़ी में, इस विपदा की स्थिति में कोई मजबूती के साथ हेमंत सोरेन के साथ खड़ा था तो वह था उनका भाई बसंत सोरेन। जैसे ही ईडी कार्यालय के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गाड़ी गई तभी दूसरी गाड़ी से पहुंचे भाई बसंत सोरेन भी गाड़ी से उतरे और ईडी कार्यालय के अंदर चले गए। लक्ष्मण की तरह बसंत सोरेन इस विपदा की घड़ी में अंतिम समय तक अपने बड़े भाई के साथ दिखे। जब ईडी कार्यालय के अंदर के दरवाजे के पास बसंत सोरेन को अंदर जाने से रोका गया तब वह बाहर निकले। बाहर निकलकर भी बसंत सोरेन चिंतित दिखे। कुछ देर तक वह ईडी कार्यालय के बाहर खड़े रहे। जब मीडिया कर्मियों की नज़र बसंत सोरेन पर पड़ी तो वह उनके तरफ बढ़े। इस दौरान भी बसंत नज़र चुराकर भागे नहीं बल्कि मीडिया के हर सवाल का जवाब दिया और बातचीत के दौरान अपने बड़े भाई हेमंत सोरेन को साहब कहकर भी संबोधित किया। ईडी कार्यालय के बाहर दुमका विधायक बसंत सोरेन को देखकर वहां मौजूद लोग यह चर्चा करने लगे कि आखिर में भाई ही भाई का काम आता है। लाख मुश्किल आए, मुसीबत आए, लेकिन परिवार ही अंत में आपके साथ खड़ा रहता है। बसंत सोरेन की मौजूदगी इस बात की तस्दीक करती है कि हेमंत सोरेन के साथ पूरा परिवार खड़ा है। साथ ही मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायकों की मौजूदगी यह दिखाती है कि पूरा यूपीए चट्टान की तरह उनके साथ है और पूरा झामुमो परिवार उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा है। अब हालांकि सबकी निगाहें इस बात पर टिक गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का जवाब देकर कब निकलते हैं। अगर निकलते हैं तो क्या फिर से उन्हें बुलाया जाएगा? अब आगे की रणनीति क्या होगी? अगले पल क्या होने वाला है किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन ईडी ऑफिस में पेश होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से अपनी बातें रखी उससे यह साफ हो गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। उन्होंने 1,000 करोड़ के अवैध खनन के आरोप को ही अवैध बताया। ईडी कार्यालय जाने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दो पन्ने का जो पत्र ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को लिखा है उसमें भी पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बातें लिखी है। अब देखिए आगे क्या होता है। चर्चा तो यह है कि ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछने के लिए 200 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। एक तरफ ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ चल रही है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास पर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और वहां मौजूद यूपीए के विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट के मंत्री लगातार वहां पहुंचे जनता को संबोधित कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के साथ साथ रांची के मोरहाबादी मैदान में भी लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जुट रहे हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in